फरार, पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही है। प्रदेश की सीमाओं पर अलर्ट है। ये हम आपको चार अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे हैं, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और लखीमपुर। यहां पर लगातार बॉर्डर पर भी निगरानी है और इसी के साथ शहर भर में टोल प्लाजा पर भी जो पोस्टर है विकास दुबे के वो चस्पा किए जा रहे हैं, यानी कि जिंदा या मुर्दा किसी भी सूरत हाल में विकास दुबे को पकड़ने के लिए कोशिश तेज होती हुई। डायला का इनाम भी रखा जा चुका है। जो तलाश है वो बहुत ही तेज होती हुई इस वक्त नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में पुलिस जो है वो अलर्ट में है। यूपी के 75 जिले इस वक्त अलर्ट पर हैं क्योंकि लगातार विकास दुबे को लेकर अलग जिलों में पुलिस की सतर्कता बढ़ी है और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर्स के जरिए राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर नेपाल कहा जा रहा है कि यहां तक भाग सकता है ये विकास दुबे नापक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अपराधी। इसी को लेकर जो दबिश जो तलाश वो लगातार जारी होती हुई। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों से आप देखेंगे पुलिस किस तरीके से मुस्तैदी के साथ हर एक वाहन की भी चेकिंग कर रही है। जो आने जाने वाले वाहन है बॉर्डर पर या फिर सीमा पर उनकी चेकिंग के साथ साथ पोस्टर को भी चस्पा किया जा रहा है। हापुड़ अमरोहा की तस्वीरों पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं टोल प्लाजा पर विकास दुबे के। तो विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में बहुत जल्द आ सकता है क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस वक्त काम कर रही है उससे विकास दुबे भी समझ चुका होगा कि बच के निकलना मुश्किल है। लेकिन सवाल यही कि कब तक पकड़ा जाएगा ये विकास दुबे, इतने बड़े अपराध को अंजाम देने वाला कानपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी, सबसे बड़ा कुख्यात हत्यारा विकास दुबे कहाँ है? हमारे साथ दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मेरठ से संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले कानपुर का हम रुख करना चाहेंगे, वहां से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से अवनीश आप बने हुए हैं हमारे साथ। अवनीश, देखिए ये कहा जा रहा है कि पुलिस कनेक्शन अब इससे बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है और उसकी जांच भी आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। फिलहाल अपडेट यह आई है इस पर कि 200 ऐसे फोन है पुलिस कर्मियों के जो सर्विलांस पर लगा दिए गए हैं, इसको लेकर क्या अपडेट और बाकी के अपडेट क्या कानपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए सबसे प्रमुख अपडेट तो ये है कि स्पष्ट हो गई, लेटर वहाँ लिखा तो गया लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं था। और ये और जो अधिकारी कह रहे हैं कि लेटर मिला लेकिन दस्तखत नहीं पड़ रहे हैं, ये भी बात भी प्रकाश में आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे मामले की जांच जो कल रात तक एडीजी कानपुर जोन जयंत सिंह को दी गई थी, वो अब जांच उनसे लेकर के आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह को दे दी गई। वो जो 73 अधिकारियों जिन महिला अधिकारियों की गिनती होती है और आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह इस वक्त बिल्हौर सीओ ऑफिस पहुंच गई है और उन्होंने सभी जो वहां पर पुलिसकर्मी तैनात है उनको उनसे बैठ के पूछताछ कर रही है और जो कंप्यूटर एक घंटे से पूछताछ चल रही, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जो उनसे सभी से बयान लिए जा रहे हैं कि लेटर कब टाइप कराया गया, किसने टाइप किया था, क्योंकि जिसने टाइप किया वो महिला स्टेनो थी वहां पर सीओ देवेंद्र मिश्रा के ऑफिस में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पर तीन अधिकारियों की बात की जा रही है, एडीजी, एसएसपी, आईजी, ये तीनों त्रिकोण बनाकर चल रहे हैं। एक टीम भावना हमें नहीं अभी तक दिखी, जो पांचवा दिन आज है, पांच दिन मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम 7 दिन का था। मुख्यमंत्री का अल्टीमेटम तो अभी का असर कहीं भी आता दिखता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन विकास के बारे में जो पुख्ता जानकारी भारत समाचार के पास है कि विकास यहां से भाग कर सीधे औरैया पहुंचा था। उसके बाद 2 मोबाइल फोन थे, वहां जो फोन एमपी तक गए, एमपी में जाकर दोनों फोन अलग अलग दिशाओं में जाकर बंद हो गए। तो यह भी कयास लगाया गया एमपी रास्ते को नेपाल भागने की फिराक में है या भाग चुका है, यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भारत समाचार के पास है। जी अमनीश, और देखिए अब हम सीधे लखनऊ का रुख करना चाहेंगे। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, खबर ये भी निकल कर आ रही कि सीएम ने सख्ती दिखाई और कहा है डीजीपी को तलब करके कि बाकी के कई एक दो राज्य हैं जिनसे वो संपर्क करे, वहां के डीजीपी से संपर्क करे और पता लगाए कि क्या वो वहां पर भी भाग सकता है जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। इसको लेकर क्या अपडेट है, सूत्रों के हवाले से खबर है अभी तक? क्योंकि देखिए शिवांगी, कल गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री सुबह थे, उसके बाद देर शाम जब वो लौटे हैं तो सीधे जो है टीम 11 की उन्होंने बैठक की थी जिसमें गृह विभाग से जुड़े जो अधिकारी थे, डीजीपी थे, इसके अलावा मुख्य सचिव भी थे। और सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि वहां पर उन्होंने विकास दुबे मामले में जो है अपडेट लिया था कि आखिर क्या जो है अब तक जो है इसमें पूरी कार्रवाई जो है अधिकारियों द्वारा की गई है। क्योंकि एक हफ्ते का जो समय है वो सीएम की तरफ से दिया गया था और उन्होंने साफ बोला था कि इस पूरे मामले में उनको सख्त एक्शन चाहिए, विकास दुबे जो है गिरफ्तार होना चाहिए
चाहिए या फिर वो मारा जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जो है एक कांड किया गया है। 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से घेर करके मारा गया है और जो कांड किया गया बहुत ही बेरहमी से किया गया, तो ऐसे में विकास दुबे की तलाश में 60 टीमें लगाई गई हैं और एसटीएफ की जो 6 टीमें हैं वो भी लगाई गई हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जो विकास दुबे है वो अदर स्टेट में शरण ले सकता है या ले चुका है, तो जिसको लेकर के यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसके अलावा जो और अदर स्टेट हैं जहां पे संभावना है विकास दुबे के छुपे होने की या जाने की, वहां से भी जो है संपर्क किया है। और ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि वहां पर भी जो है यूपी एसटीएफ सही जो टीमें हैं वो अलर्ट पे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो 5 दिन बीत चुके हैं तो विकास दुबे की लोकेशन जो है ट्रेस की जा सके। हालांकि दिक्कत जरूर आ रही है क्योंकि अधिकारियों का कहीं ना कहीं मानना है कि जो विकास दुबे है वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यही वजह है कि थोड़ा सा वो बसता जा रहा है। जगह जगह जो है सीमाओं पर पूरी तरह से सीलिंग की गई है, जो फोटो हैं वो चस्पा किए गए हैं, जो 2.5 लाख का इनाम लागू जारी किया गया है उसमें 1 लाख की राशि आम पब्लिक के लिए है। अपील की गई है यूपी पुलिस की तरफ से, जो भी उसको सूचना देगा वो उसको 1 लाख की राशि जो है दी जाएगी। तो एक बड़ा जो है सिंडिकेट, एक बड़ा गठजोड़ भी दिखाई दिया। इस बीच लगातार जो चेंज है वो इस पूरे केस में दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से कल जो है शाम मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसके बाद सुबह जो है आज जो जांच है वो बदल दी गई, जिसकी जांच जो है जो आनंद देव मामले में SSP जो तत्कालीन थे उनकी जांच जो जयंत सिंह कर रहे थे, अब वो लखनऊ की IG लक्ष्मी सिंह कर रही है। और पूरे मामले में ये जो बदलाव दिख रहे हैं इस वक्त, जो जांच तेजी से चल रही है 75 जिलों में भी यूपी के और बॉर्डर्स पर भी, वो दिखाता है कि कितना जरूरी हो जाता है विकास दुबे को पकड़ना इस वक्त। मिनट का रुख करेंगे नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। नरेंद्र, पश्चिमी यूपी में भी जो रफ्तार के साथ जो इस बार दबिश है वो दी जा रही पुलिस की तरफ से, फिलहाल पोस्टर भी जगह जगह चस्पा किए गए हैं, बॉर्डर्स पर निगरानी है, लगातार चेकिंग की जा रही है, मिनट में कैसे सतर्कता आप देख पा रहे फिलहाल इसको लेकर? पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तलाश के लिए रात से ही पोस्टर चस्पा किए गए, खास तौर पर जो टोल प्लाजाज हैं वहां पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर पर और पोस्टर के जरिए उनको ये बताया गया है कि विकास दुबे की सूरत है वो इस तरह की है और इसका हुलिया जैसे ही कोई अगर देखता है तो वो बताए। ये रात को सूचना मिली थी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो यहाँ से पास हो रही है और उसमें विकास दुबे हो सकता है, जिसके बाद ADG जोन के आदेश पर पूरे वेस्टर्न यूपी में चेकिंग कराई गई, खास तौर से जो उत्तराखंड जाने वाले रास्ते हैं वहां पर चेकिंग कराई गई। मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली के रास्ते वो यहां मेरठ और मुजफ्फरनगर के बाद उत्तराखंड में एंट्री कर सकता है, ऐसी आशंका पुलिस को है और इसीलिए जो बॉर्डर्स हैं वो अब उसके लिए सील कर दिए गए हैं। एक तरीके से कहें कि वहां पर रेड अलर्ट है और पुलिसकर्मी जितने भी वहां तैनात हैं सब चौकस हैं, उन सबको जो विकास दुबे का फोटो है, अलग अलग तरह के फोटो हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी कप्तान हैं उनको भी ADG ने सख्त निर्देश दिए हैं कि वो विकास दुबे की तलाश के लिए पूरी तरीके से जुट जाएं और 2.5 लाख का इनामी ये बचना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, ये पुलिस के हाथ आना चाहिए। इसके अलावा पुलिस के अलावा जो STF है मेरठ की वो भी सक्रिय है। अब बिल्कुल नरेंद्र, देखिए पश्चिमी यूपी में तलाश के साथ अब जो पुलिस है वो सतर्क भी है क्योंकि भेदियों से भी बच के रहना है और विकास दुबे को पकड़ना भी है। दिल्ली का रुकाना चाहेंगे, रवि हमारे साथ जुड़े हुए दिल्ली से। रवि, देखिए खबर यह आई थोड़ी देर पहले कि दिल्ली में जाकर आत्मसमर्पण कर सकता है विकास दुबे, इसको लेकर यूपी की ATS टीम वहां पर मौजूद है, संपर्क में है लगातार, ये समन्वय कैसे बैठाया जा रहा है बीच में पुलिसों के, और इसी के साथ साथ दिल्ली इस वक्त कितनी अलर्ट है विकास दुबे को लेकर? देखिए शिवांगी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कोर्ट में कहा जा रहा है कि वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं, तो ऐसे में दिल्ली के कोर्ट्स में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो दिल्ली पुलिस से ही बातचीत कर रही है, कहीं ना कहीं उनके साथ संपर्क में है और आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प विकास दुबे के पास नहीं बचता है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस और एक आज पूरे देश भर में उसकी कहीं ना कहीं खोजबीन और चर्चा बहुत तेज हो गई है, तो ऐसे में आत्मसमर्पण करना होगा। दिल्ली के कोर्ट में बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण कर सकते हैं, तो ऐसे में दिल्ली के कोर्ट में सतर्कता बढ़ा दी गई। हालांकि दिल्ली के कोर्ट्स की अगर बात करें तो वैसे भी यहाँ पे चौकसी बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस बहुत ज़्यादा तैनात होते हैं, तो ऐसे में अब और ज़्यादा सतर्कता बढ़ा दी गई क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार तलाश कर रही है, पोस्टर रिलीज कर दिए गए, उसके फोटो जारी कर दिए गए, इनाम रख दिया गया, तो ऐसे में अब उसके पास और कोई चारा नहीं बच सकता है और लगभग कहा जाए कि 5 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है और लगातार वो गायब है, छिपने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में एक बड़ी खबर दिल्ली के कोर्ट से निकल कर आई है कि वो कोर्ट में अपना आत्मसमर्पण कर सकता है। शिवांगी, चलिए नजर रख लीजिएगा, आप चारों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो लगातार देखिए विकास दुबे की तलाश जो है वो तेज होती है, इसी को लेकर अब
महिला का इनाम, पोस्टर जगह जगह चस्पा किए जा रहे, दबिश दी जा रही है। यूपी के 75 जिले इस वक्त अलर्ट पर हैं और सीमाएं भी इस वक्त अलर्ट पर हैं। तो फिलहाल देखिए, 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर विकास दुबे, और ऐसे में खबर अब उसके आत्मसमर्पण की भी आने लगी है। आत्मसमर्पण को लेकर भी दिल्ली में अलर्ट है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के कोर्ट में वो आत्मसमर्पण कर सकता है। इसको लेकर वहां पर जो मुस्तैदी है पुलिस की वो बढ़ा दी गई है। सतर्कता बहुत ज्यादा इस वक्त है पुलिस की तरफ से, और सीएम ने खुद कहा है कि 7 दिन का वक्त दिया था जब ये पूरा मामला घटित हुआ था, और कहा था कि 7 दिन के अंदर इस कुख्यात अपराधी हिस्ट्रीशीटर को पकड़ा जाए। कोई भी तब तक चैन की सांस नहीं ले सकता जब तक ये हत्यारा पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए।